सीतापुर ब्लॉक रेवसा के निवासी नखरौली बोहरा के डॉक्टर मुखलाल कुशमोहरा में दलपतपुर रोड पर चला रहे हैं अवैध नर्सिंग होम। जब मीडिया कर्मी वहां पहुंचे और डॉक्टर मुखलाल से बातचीत करने लगे तो दबंगई से डॉक्टर मुखलाल ने कहा कि तुम लोगों को जो कुछ करना है कर लो, हमें शासन प्रशासन से कुछ भी भय नहीं है, और अनाप शनाप गंदी गालियां दी। इधर रेवसा सीतापुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आलोक वर्मा भले ही पूरे सीतापुर जिले में स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त होने का वादा करते हों, लेकिन सच्चाई कुछ और ही नजर आ रही है। यूपी के मुख्यमंत्री शासन में झोला छाप डॉक्टर थोड़ा सा खौफ नहीं खा रहे, बल्कि बड़े बड़े नर्सिंग होम कई जगह पर चल रहे देखते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री झोला छाप डॉक्टरों पर क्या संज्ञान लेते हैं? सीतापुर से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। यूपीएस न्यूज 24 से मैं अर्जुन सिंह विरोचित सीतापुर से बोल रहा हूँ। यहाँ पर ग्राम पंचायत कुशमोहरा में झोला छाप डॉक्टर चला रहे क्लिनिक, दबंगई से पास आते हैं, बोलते हैं कि तुमको मैं पैसा दिया हूँ, कि किसी पत्रकार को पैसा देते हैं उसके दबंगई से चला रहे झोला छाप क्लिनिक। जो तो बोतल चढ़ रहे हैं मरीजों के, एडमिट कर लेते हैं यहाँ पर। धन्यवाद।